ये मोटा लड़का इन दो लड़कियों के साथ जंगल के रास्ते होते हुए स्कूल जाते समय इस लड़की को प्रपोज करने ही वाला था। तभी ये लड़का आ जाता है और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये तीनों बड़ा आदमी लड़की को रोककर इसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो ये लड़का गुस्से से लाल होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि कुत्ते साइड हो जा, हम लोगों को स्कूल जाने दो। तो ये सभी साइड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद लड़के को फिर बुलाकर सॉरी बोलते हुए इसका हाथ काफी जोर से दबाने लगते हैं। और जैसे ही हाथ छोड़ते हैं वैसे ही लड़का इन्हें गंदी गंदी गाली देकर भागने लगता है। ये लोग काफी गुस्सा होकर लड़के का पीछा करते हुए इसे पकड़कर इसका पैंट खोलकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद लड़का पत्ता लपेट कर अपने घर आता है और रोते हुए अपने पापा से सारी बातें बताता है। फिर उसके अगले दिन प्लानिंग के अनुसार इन लोगों के पास आकर इन्हें गुलेल से मारकर जंगल की ओर भागने लगता है और ये लोग काफी गुस्सा होकर लड़के का पीछा करने लगते हैं। इधर लड़के का पापा जंगल में गड्ढा खोदकर इन लोगों का इंतजार कर रहे थे और ये लड़का भागते हुए गड्ढे के बगल से निकल जाता है और ये आदमी इस गड्ढे के अंदर गिरकर चिल्लाने लगता है। जो देखे लड़का काफी खुश होकर अपने पापा के साथ अपने घर चला जाता है। दोस्तों पापा तो पापा ही होते हैं। इस पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।